कर्नाटक दलित संघर्ष समिति ने शहर में जिला अधिकारी के दफ्तर पर किया विरोध प्रदर्शन। कहा कि मैसूर जिले में रंजनगढ़ तालुका में आने वाले हुलीमाओ गांव में बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर इस बात पर सीरियस होकर कैबिनेट में चर्चा करें। कमेटी की ओर से और मादी का अलग अलग संगठन की ओर से तो मैसूर जिले में रंजनगुड़ तालुका में हुलीमाविन जो गांव में जो हादसा हो गया वो डॉक्टर बाबू जगजीवन राम के प्रतिमा को भंग किए गए और इससे पहले दो बार करें और उसी गांव में बाबा साहब अम्बेडकर का भी मूर्ति का अवमान करें। ये बार बार हो रहा कर्नाटक सरकार और जो केंद्र सरकार के जो इंटेलिजेंसी क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहा। ये आरएसएस के साजिश है पूरे देश में हर समाज में लफड़ा लगाने का और इससे अगर बाज नहीं आते कांग्रेस सरकार या हमारे कर्नाटक सरकार तो और दूसरा उत्तर प्रदेश होने में कोई शक नहीं। हम पूरे संगठन के ओर से हम आग्रह करते हैं कर्नाटक सरकार को कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है जल्द से जल्द उसका गिरफ्तारी हो और इसके पीछे जो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो वो ऑर्गेनाइजेशन को बयान करने के लिए हम आग्रह करते हैं। और उसी तरह गुलबर्गा में जो शाहबाजार में जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा को अवमान करे और कुछ लोग इसमें विभिन्न लोग ही हमको आरोप कर रहे कि आरोपी की तरफ से ठहर के बात करते हैं कि वो हुआ नहीं घटना तो जब तक ऐसे नालायक और चमचे लोग समाज में रहेंगे ये घटना ऐसी बार बार होते रहते। लिहाजा करना गुलबर्गा जिला के एसपी और डीसी इसके ऊपर भी गौर करना चाहिए। आज जो हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे मादिगा समाज से और कर्नाटक दलित संघर्ष समिति समाज से हम आग्रह करते हैं कि गुलबर्गा के जो इंचार्ज मिनिस्टर है इसके बारे में सीरियस होकर कैबिनेट में चर्चा करें वरना 15 दिन के बाद और उनको घेराव करने के लिए भी हम प्रॉब करेंगे।